कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग वार्डों पर किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच लंबे अंतराल के बाद आज 7वें दौर की चर्चा होने जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों और कृषि कानूनों को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सरकार MSP पर दिया वचन नहीं तोड़ेगी। इसके साथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से ज्यादा खेती के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैंने किसान माफ की भूख से जन्म लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसान संबंधी ये जो 3 कानून बने हैं, ये किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए। पिछले सरकारों की तुलना में हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य काफी बढ़ाई है। इस 3 किसानों के माध्यम से हमने पूरी कोशिश की है कि किसानों की आमदनी 2-3 गुना बढ़े। उन्होंने कहा कि बातचीत हो रही है, मुझे विश्वास है कि इसका समाधान निकलेगा। मैं किसानों से विनती करता हूं, मैंने इस कानून को देखा है, मैं भी कृषि मंत्री रह चुका हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि ये कानून किसानों के हित में है। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि किसान कम से कम 2 साल इस कानून का उपयोग करके देखें कि ये कानून कितना उपयोगी है। फिर अगर आपको लगता है कि कानून में संशोधन करने की जरूरत है तो हमारी सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। और आज भी किसान बातचीत कर रहे हैं, लगता है इसमें संशोधन की आवश्यकता है तो हम तैयार है। राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रति असंवेदनशील होने का कोई सवाल भी नहीं। हमारे किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे न सिर्फ मैं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत दुखी हैं। राहुल गांधी मुझसे छोटे हैं, मुझे उनसे ज्यादा खेती के बारे में पता है, क्योंकि मैंने एक किसान माफी कोख से जन्म लिया है। हम किसान विरोधी फैसले नहीं ले सकते।